परफेक्ट का PY580 एक्वेरियम है, वाइन रेड कलर और व्हाइट कलर आया था, व्हाइट कलर सेल आउट हो गया है। अब इसके साइज, लाइट और डायमेंशन मैं आपको दिखाता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज परफेक्ट का PY580 ये मॉडल मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्स कर रहा हूँ। इसमें दो पीस आए थे हमारे पास, एक वाइट आया था, उसकी फोटो आपने देख ली होगी, स्क्रीनशॉट पे लगा हुआ है, एक रेड है, वाइट अभी हमने सेल आउट करा है। इसका साइज डायमेंशन वगैरह मैं सब बता रहा हूँ। ये जो एक्वेरियम है ना, ये आपका जो RS का एक्वेरियम आता था, ये 580 नंबर है, ये इससे बड़ा साइज है, इससे ही बड़ा साइज है। तो इसको हम नाप के दिखाते हैं। इसकी जो लंबाई है 22 इंची, 22 इंचेस, जो गहराई है वो पूरी 11 इंच है, 11 इंच, और जो हाइट है आपकी 18 इंच 19 इंच है, 19 इंचेस या 18 इंचेस मान लीजिए। तो एक बहुत ही परफेक्ट साइज का एक्वेरियम है, परफेक्ट ही कंपनी का नाम है और परफेक्ट साइज का एक्वेरियम है। इसके LED लाइट जला के दिखाता हूँ आपको। ये इसका फिल्टर है, इसमें हर जगह यहाँ पे वाटरफॉल टाइप एक्वेरियम में पानी गिरेगा। अक्सर जो होता है एक यहाँ पे होल होता है, RS का भी अभी आपको दिखाता हूँ, इसमें यहाँ से पॉइंट पॉइंट करके एक्वेरियम गिरेगा। ठीक है, लाइट जला रहा हूं। एक छोटा कॉम्पैक्ट 2 फुट का चाइना का बढ़िया एक्वेरियम है। इसका फिल्टर है, मॉडल नंबर है MY068। मोटर की वॉटर दिखा देता हूँ आपको। एक 1000 लीटर घंटे की पावर है, 1.5 AM का है, 15 वॉट का फिल्टर है। ठीक है, छोटा एक्वेरियम के हिसाब से 15 वॉट का फिल्टर बहुत है इस एक्वेरियम के हिसाब से। बाकी फिल्टर मैं अब सेट नहीं कर रहा, जब आप लोग लेंगे तो मैं आपको सेट करना सिखा दूंगा। आप लोग सब जानकार हो, लोग कहते हैं भैया छोटी एक वीडियो ऐसी बनाया करो जल्दी ख़त्म हो जाए। बाकी डेकोरेशन की बहुत वीडियो डली हुई है, आप कोई भी इसमें डेकोरेशन करा सकते हैं अपने हिसाब से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये एक्वेरियम हमने अभी एक सेट करा है, इसमें मछली और ऐड होंगी, कस्टमर की डिमांड पे हमने पूरा एक्वेरियम ये सेट करा है। ये सारे लाइव पत्थर डले हुए डंबल हैं पॉलिश वाले, ये प्लांट है, ये लॉर्ड बुद्धा की हमने बीच में एक मूर्ति लगाई है, इसमें कलर बहुत अच्छे आए, इतनी प्यारी क्वालिटी है। ये प्योरेट का 580 टैंक है, इसकी कैपेसिटी 80 लीटर है।
साढ़े तीन चार बोतल करीब इसमें पानी की आ जाएंगी 20 लीटर वाली। एक सुकून सा मिलता है एक्वेरियम देख के। अब इसमें मछली तैरेंगी तो और अच्छा लगेगा।